ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया। हम आपको बता दें, शपथ से पहले महात्मा गांधी को नरेंद्र मोदी ने नमन किया, वहीं राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी मोदी ने। ये खबर आ रही है दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले अटल स्मृति स्थल पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी को भी पुष्पांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें, वे आज 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि आ रही है दिल्ली से, नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया। हम आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले अटल स्मृति स्थल पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां माननीय नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम आपको वही बता दें कि वे आज 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां शपथ ग्रहण से पहले महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ दिया। वही हम आपको बता दें, नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ, जहां शपथ से पहले महात्मा गांधी को नरेंद्र मोदी ने नमन किया। वही आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। ये हम आपको खबर बता रहे जो कि आ रही है दिल्ली से, प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले अटल स्मृति स्थल पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की।